सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर जितने भी लोग बालवीर सीजन 5 का वेट कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जिस सुनने के बाद आप सभी बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। आई नो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको नॉइज काफी ज्यादा सुनाई दे रही होगी, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ लगातार बहुत ही तेजी से बारिश हो रही है, इस वजह से नॉइज आ रही होगी, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। खैर चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए। एज यू ऑल नो कि कुछ टाइम पहले बालवीर सीजन 4 OTT पर लॉन्च किया गया था, मतलब कि वो टीवी पर नहीं आता था, सिर्फ OTT पर आता था, यानी कि सोनी लिप पर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बालवीर सीजन 4 सोनी लिप पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक ऑर्मेक्स मीडिया रिपोर्ट की माने तो पूरे इंडिया में जो टॉप 10 शोज आते हैं उनमें नंबर 9 पर बालवीर सीजन 4 आया है, जो कि OTT पर बहुत ज्यादा देखा गया है। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि ये वही शोज हैं जिन्हें जुलाई में बहुत ज्यादा देखा गया है। टॉप 10 की कैटेगरी में आना किसी शो के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है, और इसमें बालवीर सीजन 4 नंबर 9 पर है। तो भाई इससे पता चलता है कि मेकर्स को बालवीर सीजन 4 लॉन्च करके कोई घाटा नहीं हुआ है, बल्कि इनका फायदा हुआ है। भले ही शो OTT पर आया है, लेकिन दोस्तों इनका यहाँ पर फायदा हुआ है, क्योंकि फैंस ने शो को बहुत ज्यादा देखा है सोनी लिप पर। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को ये लग रहा था कि बालवीर सीजन 5 को लॉन्च करने में मेकर्स देरी करेंगे, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मेकर्स यहाँ पर देरी करेंगे, बिकॉज बालवीर शो का क्रेज इस वक्त काफी ज्यादा है, एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस बालवीर सीजन 5 आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फैंस को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा उनके फेवरेट शो को देखने के लिए। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल एंड बाय, टेक केयर।